हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नेचुरल हेयर रिमूवल पाउडर का रिव्यू। फ्रेंड, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने स्किन पर नेचुरल प्रोडक्ट के यूज करना ही पसंद करते हैं, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं एंड करना भी नहीं चाहिए। तो आज मैं रिव्यू करूँगी एक नेचुरल हेयर रिमूवल पाउडर का रिव्यू जो कि पाउडर फॉर्म में है। मेरे पास यहाँ पर है हारिया का नेचुरल हेयर रिमूवल पाउडर। मैंने इसको परचेज किया था फ्लिपकार्ट से। ये मीशो पर भी मिलता है एंड कुछ अदर वेबसाइट में भी अवेलेबल है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये 100 ग्राम का प्रोडक्ट है। इस टाइप का जार में आता है और इसका MRP ज़्यादा है, बट ऑनलाइन में अराउंड 80-90 रुपीज़ में इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर लिखा हुआ है हारिया नेचुरल हेयर रिमूवल पाउडर, नॉर्मल स्किन, चेस्ट एंड बॉडी, नो रिस्क ऑफ कॉट, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आपको वैक्स करना पसंद नहीं है, आप हेयर रिमूवल क्रीम वगैरह यूज़ करना पसंद नहीं करते हो, तो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। एंड ये मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले बात कर लेते हैं इसको बनाना कैसे, लगाना कैसे एंड रिजल्ट कैसा है, कहाँ कहाँ आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड, आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बटन को जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे न्यू वीडियो के अपडेट आपके पास पहुँची रहे। तो फ्रेंड, ये हेयर रिमूवल पाउडर बॉडी के अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। अंडर आर्म्स में आप यूज़ कर सकते हो, हैंड, लेग, चेस्ट, जहाँ आप भी यूज़ करना चाहते हो। इसे मेल फीमेल कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो कई लोग को हॉल बॉडी में वैक्स करना पसंद करते हैं, भी टॉम एरिया में भी, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। इसे एक्सटर्नल यूज़ करना है, इसे सेंसिटिव एरिया में यूज़ नहीं करना, लाइक इंटीमेट एरिया में, ठीक है। तो इसमें इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज़ किया गया एलोवेरा, ब्लैक सॉल्ट, लेमन पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, रोज़ पाउडर, इस टाइप के इंग्रेडिएंट का यूज किया गया है। इसको बनाना कैसे, तो आपको जितना ज़रूरत है, आपको कहाँ पर यूज़ करना है तो उसी हिसाब से आप लीजिए। उतना ही आपको रॉ मिल्क लेना है, कच्चा दूध लेना है और थिक पेस्ट बनाना है। उसके बाद अप्लाई करना है, जहाँ आप हाथों से भी यूज़ कर सकते हो एंड ब्रश से भी आप यूज़ कर सकते हो। 3-4 मिनट तक रखना है, उसके बाद पानी से धो लेना, ठीक है, क्लियर। एंड धोने के बाद, सूखने के बाद अच्छा सा लोशन या मॉइस्चराइज़र आपको अप्लाई ज़रूर कर लेना, जो स्किन है वो सॉफ्ट एंड मुलायम हो जाएगी। ये तो था प्रोसेस कैसे यूज़ करना है। अब मैं बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। फ्रेंड, ऐसे ये पाउडर ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी टाइप का इरीटेशन या जलन नहीं हुआ, बट इसका रिजल्ट ना ठीक था। हेयर जो है कम्प्लीटली रिमूव नहीं हुए, कहीं कहीं पर छोटे छोटे टुकड़े जो है छूट जाते हैं, जो वैक्स के बाद जो क्लीन जो फील होता है ना, वैसा फील नहीं होता है, ठीक है। 2-3 दिन में हेयर ग्रोथ है वो वापस से होने लगती है, तो हेयर दिखने लगते हैं। तो इससे अच्छा तो यही है कि रेजर से आप साफ कर लो यार, क्यों ये पाउडर के ऊपर इन्वेस्ट करना। अगर आप में से भी ये पाउडर को किसी ने यूज़ किया ना, तो मुझे कमेंट जरूर करना। देखिए, आपका एक कमेंट से और को भी भला हो सकता है। जेन्युइन कमेंट करना, कोई फेक नहीं, उनको इजी हो जाएगा ये प्रोडक्ट को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।